हेलो एवरीवन, वेलकम टाइम्स ड्राइव। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अंकुर तनेजा, और इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं उन सभी बाइक्स की जानकारी जो अगले साल यानी कि 2021 में आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती हैं। तो बाइक लवर्स, मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट, उन सभी के लिए वीडियो है। इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। Now, India is already one of the largest markets for motorcycles in the world. अब ये नई motorcycles आपको अगले साल Indian market में देखने को मिल सकती हैं। इसमें cruisers भी हैं, sport bike भी है, electric bike भी है, तो वो सभी details आपको इसमें मिलने वाली हैं। शुरुआत करते हैं सबसे ज़्यादा hype जिस bike को लेकर चल रही है, TVS की नई cruiser Zeppelin को लेकर। ये बाइक आपको अगले साल इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है। अब पहली बार टीवीएस ने इस बाइक को ऑटो एक्सपो 2018 में शोकेस किया था। अब जब ये बाइक मार्केट में आएगी टीवीएस लेकर, तो होंडा हाई ने CB350 और रॉयल एनफील्ड मीटियोर जैसी बाइक से इसका कंपटीशन होने वाला है। अब हालांकि इसकी कोई एग्जैक्ट डिटेल्स अभी टीवीएस ने कुछ बताई नहीं है, ना कुछ लीक हुआ है, लेकिन इसमें जो इंजन टीवीएस यूज कर सकती है वो होगा अपाचे 310 वाला। थोड़ा सा डीट्यून आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वही सेम इंजन आपको इस टीवीएस की जेपलिन में देखने को मिल सकता है, जो टीवीएस की पहली क्रूजर मोटरसाइकिल बनने वाली है। अब इस लिस्ट में अगली बाइक है हीरो की AE47। 2020 ऑटो एक्सपो में ही हमने इसको पहली बार देखा था। इसका डिटेल वॉकराउंड भी हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है, जो टाइम्स ड्राइव का YouTube चैनल है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन हीरो ने इस बाइक को लॉन्च नहीं किया था, मे बी पैंडमिक के चलते, बट अगले साल इस बाइक को हम इंडियन मार्केट में देख सकते हैं। और इसका जो कॉम्पिटिशन होने वाला है रिवोल्ट की, जो RV400 है, उससे आपको उसे कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। अब इस बाइक का जो ओवरऑल लुक है वो एक स्ट्रीट फाइटर कैफे रेसर टाइप बाइक की फील आपको इसमें देखने को मिलेगी, जो हीरो की AE47 है। फ्रंट में आपको वो राउंड रेट्रो लुक हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे, और ब्लैक फ्लाई स्क्रीन और वाइड हैंडल बार्स आपको इस हीरो की AE47 में देखने को मिल जाएंगे। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल इसमें आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ उसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, बैटरी रेंज, चार्ज स्टेटस जैसी इन्फॉर्मेशन आपको उसके फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल में देखने को मिलेंगी। अब इस बाइक में आपको एक और इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिल सकता है, वो है क्रूज कंट्रोल का। जी हाँ, हीरो की इस बाइक में आपको ये क्रूज कंट्रोल वाला फीचर देखने को मिल सकता है। अब इसमें जो बैटरी यूज की गई है वो है 3.5 किलोवाट की, और मोटर है 4 किलोवाट की। टॉप स्पीड आपको इस बाइक में देखने को मिलती है, वो है 85 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड इस हीरो की AE47 में। भी इसका नाम दूसरा हो जब ये लॉन्च हो, बट अभी ये नाम इसका हीरो ने दिया हुआ है। तो ये बाइक आपको अगले साल 2021 में देखने को मिल सकती है। अगली बाइक इस लिस्ट में है रॉयल एनफील्ड की 650 क्रूजर। अब रॉयल एनफील्ड ऑलरेडी अपनी मीटियोर 350 को लॉन्च कर चुका है, वो भी एक क्रूजर सेगमेंट में आपको देखने को मिलती है ये बाइक। अब ये नई बाइक 650 सीसी इंजन के साथ आपको अगले साल देखने को मिल सकती है। आप में शायद कुछ लोगों को याद हो कि 2018 ऑटो एक्सपो में KX कॉन्सेप्ट के नाम से रॉयल एनफील्ड ने इसको डिस्प्ले भी करा था ऑटो एक्सपो 2018 में। अब ये बाइक आपको अगले साल इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है। अब जो स्पाई शॉट्स इसके हमें देखने को मिले हैं, उसमें आपको फ्रंट में इन्वर्टेड फोक्स देखने को मिलेंगे, ट्विन रियर शॉक्स हैं, और इसमें आपको ट्विन पॉड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। ट्विन पॉड वाला जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो हमने मीटियोर में भी देखने को मिला है, तो ये वैसा ही आपको इसमें भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ डिटेल्स इस रॉयल एनफील्ड की 650 क्रूजर को लेकर अभी फिलहाल हमारे पास हैं। नेक्स्ट ईयर जब ये बाइक आएगी तो ऑब्वियसली इसके सभी डिटेल्स हम आप तक लेकर जरूर आएंगे। अगली बाइक इस 2021 की बाइक लिस्ट में है, वो है हस्वर्ना विट पिलन 401 और स्वाट पिलन 401। अब ये बाइक एक्सपेक्टेड थी कि हस्वर्ना जल्दी लेकर आएगी, मेरी पैंडमिक के चलते वो डिले हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये बाइक अगले साल 2021 में आ सकती है। अब हस्वर्ना 401 ट्विन्स हैं, जो वो KTM 390 ड्यू पर ही बेस्ड हैं। इनमें जो इंजन्स हैं वो सेम आपको इंजन देखने को मिलेंगे, और फ्रेम भी आपको इन दोनों बाइक्स में सेम देखने को मिलेगा, जो कि KTM 390 ड्यूक में हमें देखने को मिलता है। हालांकि लुक एंड फील के हिसाब से ये दोनों एकदम नॉर्थ और साउथ हैं, तो वो आपको एक डिफरेंस ऑब्वियसली देखने को इसमें मिलेगा। 390 जहां एक तरफ स्ट्रीट फाइटर के लुक के साथ आपको मिलती है, हस्वर्ना आपको एक कैफे रेसर और एक मिड ऑफ रोडर के तौर पर आपको 401 स्वाट पिलन देखने को मिलती है। इसके अलावा जो इंजन इसमें आपको देखने को मिलेगा वो है 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन है, और ये आपको 6-speed गियर बॉक्स के ऑप्शन और स्लिपर क्लच के साथ उसमें देखने को मिल सकता है। तो ये दो नई बाइक आपको हस्वर्ना की तरफ से स्वाट पिलन 401 और विट पिलन 401 2021 में इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती हैं। अब अगली बाइक जो इस लिस्ट में है वो है ट्रायम्फ की
all new Roadster Trident 660. ये बाइक की बुकिंग्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। 50,000 के अमाउंट को देकर आप इसको बुक कर सकते हैं। अगले साल इसका लॉन्च पहले ही क्वार्टर में ट्रायम कर देगी। तो ये कुछ डिटेल्स इस बाइक को लेकर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जो इंजन है 660cc का है, ट्रिपल सिलेंडर इंजन है, 80 BHP की पावर देता है, 10,250 RPM पर, और 64 Nm का टॉर्क देता है 6,250 RPM पर। अब ये बाइक एज स्टैंडर्ड, इसमें आपको दो राइडिंग मोड देखने को मिलेंगे, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, राइड बाय वायर थ्रॉटल सिस्टम है। अब ये बाइक जो है यूके में ऑलरेडी वहां पर भी लॉन्च हो चुकी है, तो वहां पर ये जनवरी के एंड तक डीलरशिप पर पहुंचना शुरू होगी। तो उसके बाद ही फेब के महीने में आपको इंडिया में ये बाइक देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अब इस बाइक का जो कंपैरिजन, जो कंपटीशन होगा, वो होगा कावासाकी की Z650 से। तो ये एक ट्रायम्फ की ट्राइडेंट 650 आपको 2021 में इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। अगली बाइक इस लिस्ट में है KTM की BS6 कंप्लाइंट 790 ड्यूक। अब KTM, पहले हमने जब पैंडेमिक शुरू हो रहा था उस टाइम पे हमने सुना था कि KTM इस बाइक को डिसकंटिन्यू करने जा रही है, बट वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग कि ये बाइक आपको अगले साल BS6 अवतार में 790 ड्यूक देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट में। अब ये बाइक में जो इंजन दिया गया है वो है 799cc का, 103 BHP की पावर देता है और 87 Nm का टॉर्क देता है। अब इसमें जो फीचर्स की लिस्ट है वो आपको लंबी चौड़ी देखने को मिलेगी। ABS MTC यानी कि मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, MSR मोटरसाइकिल स्लिप रेगुलेशन सिस्टम, MSC मोटरसाइकिल स्टेबिलिटी कंट्रोल, और 4 डिफरेंट राइडिंग मोड्स आपको ट्रैक, स्ट्रीट, स्पोर्ट और रेन इस KTM की 790 ड्यूक में देखने को मिलते हैं। अब BS6 अवतार है तो डिजाइन के हिसाब से आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, बट मे बी इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा कलर ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं KTM की इस 790 ड्यूक में। नाउ द लास्ट एंड फाइनल बाइक इन दिस लिस्ट इज मॉन्स्टर। डुकाटी की मॉन्स्टर 821 आपको इंडिया में 2021 में देखने को मिल सकती है। तो ये बाइक भी आपको अगले साल इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। अब डुकाटी की जो नई मॉन्स्टर 821 है, ये आपको पहले से ज्यादा अग्रेसिव देखने को मिलेगी। इसमें मोनोकॉक एल्यूमिनियम फ्रेम आपको देखने को मिलेगा जो कि पानी गाले V4 से इंस्पायर्ड है, और बाइक ये आपको पहले से लाइटर देखने को मिलेगी जो पुरानी मॉन्स्टर थी उसके मुकाबले। अब इसमें जो आपको इंजन दिया गया है वो है 937cc का L-twin इंजन आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो कि आपको सुपर स्पोर्ट 950 और मल्टी स्ट्राडा 950 में भी देखने को मिलता है। अब ये एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर के तौर पर आपको बाइक देखने को मिलेगी। इसमें आपको पावर मिलता है 110 BHP और टॉर्क मिलता है 93 Nm का। अब एक और जो बदलाव आपको इसमें देखने को मिलेगा वो है आपको इसकी पावर जो है वो पुरानी जो मॉन्स्टर थी 821 उसके मुकाबले थोड़ी बेटर देखने को इस नई डुकाटी मॉन्स्टर 821 में देखने को मिलेगी। तो ये 7 बाइक्स हमारी इस लिस्ट में हैं जो 2021 में आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।